बल्कि यूटरस। बच्चेदानी में सूजन की समस्या को बल्कि यूटरस या गर्भाशय का आकार बढ़ना कहते हैं। बच्चेदानी को यूटरस और गर्भाशय के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी सातले है। मेरे को यूटरस बल्कि यूटरस की प्रॉब्लम थी, जिसमें मेरा साइज 26 mm था और मुझे यहाँ एक गायनिक ने ऑपरेट करने का बोला था, लेकिन मैंने फिर वो ट्रीटमेंट न लेते हुए मेरे एक रिलेटिव ने मुझे सर के बारे में बताया। डॉक्टर आरपी चोपड़ा ने मुझे ट्रीटमेंट दिया, उसके एक महीने बाद ही का साइज 4 mm हो गया, जो कि एक नॉर्मल होता है। बिना ऑपरेट किए ही उन्होंने मुझे ठीक किया, इसलिए मैं सर की बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी इसका लाभ लें और सभी होम्योपैथिक मॉडर्न होम्योपैथिक का लाभ लें। ना मुझे कुछ थकान लगी, ना ही मेरे को कोई परेशानी हुई, ना कुछ परहेज था और ना ही साइड इफेक्ट हुआ किसी चीज़ का। पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा डिटेल में समझाते हैं और फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो बराबर अपने को समझाते हैं, बताते हैं, हौसला देते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि उनसे ही ट्रीटमेंट करवाएं, मॉडर्न होम्योपैथिक काफ़ी अच्छी है। नमस्कार। बल्कि यूटरस की स्थिति में एक महिला के गर्भाशय का आकार सामान्य की तुलना में अधिक बड़ा हो जाता है, जिसके कारण महिला को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समय पर बल्कि यूटरस का निदान और उपचार कर इससे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को रोका जा सकता है। आमतौर पर बल्कि यूटरस का उपचार इसके कारणों पर निर्भर करता है। इस समस्या का इलाज करने के लिए डॉक्टर दवाओं और सर्जरी का उपयोग करते हैं। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ने बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के अपना असर दिखाया और सभी महिलाएं आज अपना सामान्य एवं खुशहाल जीवन जी रही हैं।